जिला के डोमभी थाना अंतर्गत करमौनी गांव निवासी पूर्व मुखिया सह भाजपा नेता संतोष गुप्ता के घर पर बीती देर रात अपराधियों ने तांडव मचाया। चार बम फेंक कर घर को उड़ाने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार दो अपराधी ने चार बम फेंक कर घर को उड़ाने की साजिश की थी। अपराधी घर तो नहीं उड़ा सके, लेकिन चार बम फेंके जाने से घर के दीवार में दरार आ गई है और खिड़की पर लगे शीशे टूट गया है। घटनास्थल से पुलिस ने दो जिंदा बम बरामद किया और डिफ्यूज किया, लिहाजा यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार कर पाएगी। घटना ऐसा है कि हम लोग रात्रि में सोए हुए थे, एक भाई इतना आवाज आया कि भाई एक भाई हम पलंग से नीचे फिरा गए, बहुत चिंगारी और धुआं, एकदम पूरा धुआं धुआं भर गया, बड़ा आवाज हुआ। फिर सटले सटले दो तीन दस सेकंड पर दो तीन आवाज आया, तो फिर देखे कि हम लोग बड़ा बम से लोग हमला कर रहा, तो हम लोग हिम्मत करके फिर बाहर खिड़की से भी हुई हुला के देखना चाहे तो मोटरसाइकिल से लोग देख रहे इधर भाग रहा है लोग, और उसी बीच में फिर पुलिस को हम लोग खबर किए 256 में 247 या 248 की घटना है, और पुलिस आई तो नीचे भी दो बम मिला। एक्चुअली मेरे हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, मुखिया भी रहे हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं विधानसभा स्तरीय, तो प्लानिंग के तहत एक अपराधी किस्म का लोग हम लोग को पीछे पड़ा हुआ है, मगर 2019 से पड़ा हुआ है और उसको कभी मौका नहीं मिल रहा है, कभी गाली का रेकिंग का भी पीछा करता है, तो कभी हम 972-22 केस भी किए हैं पहले, रंगदारी मांग लिया गया था हमसे और हत्या के सुपारी भी दिया गया था, जो उसका ही हम लोग जो भी थाना में केस दर्ज किया। हमको पूर्ण विश्वास है कि उन्हीं लोग के द्वारा फिर से पूर्णतः घटना का अंजाम दिया गया। इमरान खान हैं, पिताली हसन खान, देवानंद दास, बलहम दास।